फिल्म की शुरुआत होती है कश्मीर से, जहां पर भारत सरकार ने कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया है, जिसके चलते पूरे पाकिस्तान में खलबली का माहौल हो जाता है। वहीं के एक निजी टेररिस्ट ग्रुप को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है आउटफिट एक्स। इसका लीडर जिम होता है, बोले तो विलन रोल में जान इब्राहिम दिखाई देते हैं। ये जो जिम है, कभी हिंदुस्तान का एक जवान हुआ करता था। हिंदुस्तान से इतनी नफरत क्यों है उसे, ये भी कहानी इसमें दिखाई जाती है। लेकिन अब वह एक टेररिस्ट आतंकवादी बन चुका है। जिम को इंडिया में ब्लास्ट करने के लिए एक मिशन सौंपा जाता है, जिसके तहत वो एक ऐसे वायरस को भारत में डालना चाहता है जो कुछ ही मिनटों में पूरे देश को खत्म करने की क्षमता रखता है। ऐसे में वनवास काट रहे पठान को बुलाया जाता है, यानी हमारे लीड हीरो शाहरुख खान को बुलाया जाता है, जो अपने देश को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इस मिशन में रुबीना भी पठान के साथ आती है। यहाँ रुबीना लीड एक्ट्रेस हैं, दीपिका पादुकोण जी। लेकिन इस फिल्म की सबसे बड़ी बात यह है कि क्या पठान इतने खतरनाक आतंकी हमले से अपने देश को बचा पाएगा? धोखा, एक्शन, सस्पेंस, सब कुछ इस फिल्म में है। ये जानना है तो आपको इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। इस फिल्म के बारे में हम और भी डिटेल आपको बताते हैं। फिल्म ये पठान फिल्म एक गाने की वजह से कंट्रोवर्सी में आ गई थी, जिसका नाम है बेशर्म रंग। इस गाने में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने बिकनी पहनी हुई थी। हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया गया था। इसमें काफी विरोध हुआ, तो फिल्म निर्माताओं ने इसको, इस गाने में जो आपत्तिजनक हिस्से थे उसको हटा दिए। और ये फिल्म 25 जनवरी 2023 को रिलीज हो गई है सभी सिनेमाघरों में। अब इस फिल्म के मेन पार्ट के बारे में बताते हैं। यह एक एक्शन से भरी हुई फिल्म है, ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन सिद्धार्थ आनंद द्वारा किया गया है। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जान इब्राहिम मुख्य भूमिका में नजर आए हैं। इस फिल्म की खास बात यह है कि इस फिल्म में सलमान खान भी कैमियो करते हुए नजर आए हैं। इस फिल्म में एक जबरदस्त एक्शन सीन है जो बुर्ज खलीफा पर शूट किया गया है। पठान मूवी का जो दीपिका जी का फर्स्ट लुक पोस्टर है, 25 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया था। फिल्म का टीजर 2 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया और ट्रेलर 10 जनवरी को लॉन्च किया गया था। इससे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस मूवी को जरूर देखें, एक्शन से भरपूर मूवी है। अगर मेरा रिव्यू आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए न्यू रिलीज मूवी की डिटेल्स देते रहेंगे, रिलीज से पहले और रिलीज के बाद भी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।